समाचार लोकतंत्र की आवाज साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में अपनी रथ यात्रा की शुरुआत बांदा से की है। बता दें कि बांदा पहुंचे अखिलेश यादव ने आज GIC मैदान में आयोजित सभा में कहा, बुंदेलखंड वासियों ने भाजपा को पूरे सीटें जिता कर दी थी, पर भाजपा सरकार बुंदेलखंड में कोई भी विकास नहीं कर पाई। इन 5 सालों में कोई भी उद्योग धंधे बुंदेलखंड में नहीं लगे, यहाँ की युवाओं को रोजगार नहीं मिला, पलायन आज भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। BJP सरकार सिर्फ जुमले फेंकने वाली सरकार है। उन्होंने बड़ी बात ये भी कही कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, BEd वाले हो या शिक्षा मित्र हो, TT देने वाले छात्र सभी परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग भुखमरी की हालत पर पहुंच चुके हैं, किसान खाद के लिए लाइन लगा है पर खाद नहीं मिल रही, तो आत्महत्या करने पर किसान भी मजबूर है। इसके अलावा सरकार में केवल नाम बदलने का काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें विकास की कहा जाए। सरकार अपने विज्ञापनों में भी झूठ बोलती है। ऐसी सरकार को बुंदेलखंड के लोग सफाया करें और समाजवादी पार्टी की सरकार लाए। अखिलेश यादव ने पूरी तरह से भाजपा सरकार को फैल बताया। बांदा से लाइव TV समाचार के लिए संवाददाता आशा देवी की रिपोर्ट। धोखा हुआ है, बुंदेलखंड की जनता ने पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सभी विधानसभाएं, सभी लोकसभाओं को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, फोन ऊपर कर लो भैया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम से राम से जनता को धोखा दिया, उनके वादे झुमले रहे, बातें झूठी हैं। आज भी बुंदेलखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। आज जब नीति आयोग कह रहा है, उसका आंकड़े आने तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या बुंदेलखंड में, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे, जिन्होंने सपने दिखाए थे उन्होंने नौजवानों की नौकरी छीन ली, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। और वो समय बुंदेलखंड के लोग नहीं भूलेंगे जिस समय लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने सहारे छोड़ दिया, जनता को जब सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी जनता को अनाज छोड़ा, किस तरीके से भूखे प्यासे लोग यहाँ पर लौटे हैं, किसान की अभी भी आय दोगुनी नहीं हुई, पानी जहाँ मिल जाना चाहिए था अभी भी अभाव है, अभी भी पलायन, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता में लगातार समाजवादी पार्टी जाएगी। पिछली बार तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड भाजपाइयों के पास था, इस बार बुंदेलखंड की जनता भाजपा का को सफाई करेगी, साफ होगी। अखिलेश जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, सदन में लगातार हंगामा चल रहा है और MPs जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, यही भारतीय जनता पार्टी है। आय दोगुनी हो जाए, दोगुनी हुई नहीं, किसानों के ऊपर महंगाई कर दी और आज भी किसी पैदावार की कीमत नहीं मिल पा। भाजपा कह रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, हर घर नल योजना दी है, और इस पर आप क्या कहें? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वही जो समाजवादी लोग बनाना चाहते थे, झांसी से सिद्धार्थनगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया, लेकिन अभी भी आधा अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। अभी भी 4.5 साल पूरे हो गए, पूरा नहीं कर पाई। जहाँ तक घर घर नल पहुंचाने की बात है, आपको याद होगा सबसे पहले योजना राठ में शुरू की गई थी और राठ की योजना को बंद कर दिया और अभी भी तक बुंदेलखंड के घरों में नल से पानी नहीं पहुंचा है। जी, अब तक के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।